हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आप एक पोको M2 या फिर पोको M2 रिलोडेड डिवाइस के यूजर्स हैं, तो दोस्तों आपके लिए काफी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों पोको M2 डिवाइस के लिए MIUI 13 प्लस एंड्रॉइड 12 का अपडेट नॉर्मल पीपल्स के लिए देखेंगे आज से रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड दोस्तों, इस अपडेट के वर्जन के बारे में बात करेंगे तो MIUI 13.0.2.0 एंड्रॉइड 12 अपडेट है, जिसके साइज के बारे में बात करेंगे तो 2.6 GB के आसपास है। एंड दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके पोको M2 डिवाइस में काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, काफी सारे फीचर्स आपको एंड्रॉइड 12 बेस मिल जाते हैं एंड काफी सारे फीचर्स आपको MIUI 13 बेस मिल जाते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी इनेबल कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पर रेगुलर देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पोको M2 का डिवाइस है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको MIUI 13 का अपडेट मिला है कि नहीं मिला है। तो दोस्तों, अपडेट इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले देखेंगे हम अबाउट फोन सेक्शन में क्या कुछ चेंज लॉग मिल जाता है। सो अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे अपडेटर में। सो अपडेटर में देखेंगे आपको वर्जन 13.0.2.0 देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों वर्ड्स न्यू में देखेंगे तो वर्ड्स न्यू में आपको वही टिपिकल देखने को मिल जाएगी, स्टेबल MIUI बेस एंड्रॉइड 12 का अपडेट है एंड आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। उसके दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे मोर फीचर्स एंड इंप्रूवमेंट, बस आपको ये चेंज लॉग देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एंड्रॉइड वर्जन के बारे में, तो फाइनली पोको M2 रिलोडेड डिवाइस में फाइनली आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल चुका है। एंड दोस्तों, मेरे हिसाब से पोको M2 डिवाइस में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिलता था, बट फाइनली दोस्तों एंड्रॉइड 11 के बाद आपको एंड्रॉइड 12 का भी अपडेट फाइनली पोको की तरफ से मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको 1.7 मतलब कि जुलाई का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे MIUI 13 एंड्रॉइड 12 के टॉप चेंज लॉग फीचर्स के बारे में। बट दोस्तों, फीचर जाने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है हिट पॉप वीडियो एनहांसर, जो कि बेस्ट AI अपस्केल वीडियो सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास डस्टी टाइप का वीडियो है, नॉइस ग्रेन टाइप का वीडियो है, सो अगर आपको एनहांस क्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो एनहांस क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 3 की फीचर्स मिल जाते हैं। फर्स्ट वन, जनरल डीनॉइस मॉडल। सो अगर आपके पास डस्टी नॉइस ग्रेन वाला वीडियो तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं एंड एनहांस क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड वन, एनिमेशन मॉडल। सो अगर आपके पास डस्टी टाइप का एनिमेशन मॉडल का वीडियो तो उसको भी एनहांस क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड फीचर इज फेस मॉडल, विच इज रिपेयर द डिटेलिंग ऑफ फेस क्वालिटी टू इम्प्रूव द फेशियल वीडियो क्वालिटी। ये सिंपली 3 स्टेप में वर्क करता है। फर्स्ट वन, ओपन द सॉफ्टवेयर, चूज द फाइल, आफ्टर ऑल यू कैन चूज द फीचर, आफ्टर ऑल यू कैन चूज द रेजोल्यूशन एंड फॉर्मेट, यू कैन ऑल्सो चेक द प्रीव्यू फाइल, आफ्टर ऑल यू कैन एक्सपोर्ट योर वीडियो, आफ्टर ऑल यू कैन क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट बटन, सिलेक्ट द डेस्टिनेशन पाथ वेयर यू वॉन्ट टू सेव द वीडियो। सो थोड़ा सा वीडियो एक्सपोर्ट होने में टाइम लगेगा एंड वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आप यहाँ पे डेस्टिनेशन पास से उसको चेकआउट करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियो वर्सेस फाइनल रिजल्ट। सो फाइनल रिजल्ट आप चेकआउट करके देख सकते हैं कितना वीडियो यहाँ पे एनहांस क्वालिटी में कन्वर्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कमाल का सॉफ्टवेयर चाहिए तो इसकी जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, सो जल्दी से जाइए विजिट कीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे पोको M2 डिवाइस के टॉप चेंज लॉग फीचर्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पोको M2 डिवाइस में एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल चुका है, तो एंड्रॉइड 12 की वजह से आपको एक लेटेस्ट न्यू कंट्रोल सेंटर मिल जाता है एंड इस लेटेस्ट न्यू कंट्रोल सेंटर में आपको वर्टिकल वॉल्यूम बार एंड वर्टिकल ब्राइटनेस बार मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंट्रोल सेंटर सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड 12 डिवाइस को ही सपोर्ट करता है। तो फाइनली आपके पोको M2 डिवाइस में एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल चुका है, तो आप बड़े ही आराम से इस वाले लेटेस्ट न्यू कंट्रोल सेंटर को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिस्टम UI प्लगइन APK फाइल को इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप यहाँ पे सिस्टम UI प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो आपके फोन में ऐसा लेटेस्ट वाला कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा। तो सिस्टम UI प्लगइन की फाइल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी, वही से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट दोस्तों, ऑफिशियली MIUI 13.0.2.0 के बाद आपको ऐसा ऑफिशियली कंट्रोल सेंटर नहीं मिला है, बट आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे MIUI 13 के बाद आपके पोको M2 या फिर पोको M2 रिलोडेड डिवाइस में जो एनिमेशन से शायद आपको एनिमेशन गायब हो सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों मेरे फोन में देखेंगे फोन अनलॉक करने के बाद जो पॉपअप वाले एनिमेशन थे वो भी गायब हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे एप्लीकेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग की जो एनिमेशन है वो भी रिमूव हो चुका है। बट दोस्तों एप्लीकेशन लॉन्चिंग की जो स्पीड है ना वो यार काफी फास्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद तुरंत यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च हो जाता है। सो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पोको M2DS में ऐसा एनिमेशन अभी भी है, कमेंट करके ना जरूर बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों MIUI 13 एंड्रॉइड 12 के बाद काफी सारे डिवाइसेस में देखेंगे आपको लेटेस्ट न्यू ऐप वॉल्ट का फीचर मिल जाता है। स्पेशली दोस्तों रेडमी की डिवाइस में देखेंगे आपको ऐप वॉल्ट में विजेट्स वगैरह ऐड करने का भी सपोर्ट मिल जाता है। बट दोस्तों पता नहीं यार पोको वाले आपके फोन में अभी भी आपको वही टिपिकल पुराना ऐप वॉल्ट का फीचर दे रहे। एंड दोस्तों पोको X3 प्रो डिवाइस है यार, काफी सारे पोको के फोन है जिसमें MIUI 13 के बाद ही आपको पुराना ही ऐप वॉल्ट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पोको के अगले चेंज लॉक फीचर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम जाएंगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग में, तो होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद आपको जो विजेट्स का आइकॉन है वो भी यार चेंज हो चुका है। एंड विजेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके फोन में जितने सारे सपोर्टेबल सिस्टम एप्स के विजेट्स है वो अपने होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। अभी दोस्तों फिलहाल के लिए देखेंगे कुछ ही या फिर लिमिटेड आपको विजेट्स ऐड करने का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड 12 बेस विजेट से वही आप ऐड कर सकते हैं। सो ये जो फर्क है आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 के बाद अपने फोन में इनेबल हो चुका है एंड विजेट्स का जो लेआउट है वो भी यार चेंज हो चुका है। इसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे एंड होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद सेट डिफॉल्ट स्क्रीन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस है वो भी थोड़ा सा चेंजेबल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेटिंग में जाएंगे एंड सेटिंग में जाने के बाद आपके पोको M2DS में जो ऐप ड्रॉअर मिल जाता है तो आप ऐप ड्रॉअर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन सेटिंग में नीचे के साइड में देखेंगे अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स, इसमें देखेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इससे पहले आपके फोन में देखेंगे वर्टिकल आपको देखने को मिलता था, बट दोस्तों अगर आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंज आइटम सेट करना है तो हॉरिजॉन्टली आप अरेंज आइटम्स को सेट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों एंड्रॉइड 11 के बाद काफी सारे फोन में आपको ये फीचर मिलता था, बट दोस्तों पोको के फोन में पोको लॉन्चर 2.0 की वजह से ये फीचर आपको नहीं मिलता था। बट फाइनली दोस्तों पोको M2 या फिर पोको के हर एक फोन में पोको लॉन्चर 4.0 का फीचर मिल चुका है, जिसके वजह से ये सारे के सारे फीचर्स आपके फोन में अनलॉक हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले अमेजिंग फीचर्स के बारे में जो कि आपको एंड्रॉइड 12 के बाद मिल जाता है, जो कि है iOS टल्का 100 मोड का फीचर। सो फ्रेंड्स फुल स्क्रीन डिस्प्ले में इनेबल करने के बाद नीचे के साइड में जो नेविगेशन बार मिल जाता है, तो नीचे के नेविगेशन बार के ऊपर बॉटम के साइड में स्वाइप करेंगे तो आपको जो फुल स्क्रीन है iOS टाइल में देखेंगे 100 मोड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये जो फीचर है MIUI 13 एंड्रॉइड 12 के बाद सभी फोन्स में मिल जाता है, तो फाइनली आपके फोन में भी ये फीचर मिल जाता है। वैसे दोस्तों MIUI 13 को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस फीचर को इनेबल करना होता है। सिंपल क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद जाना एडिशनल सेटिंग में एंड एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद 100 मोड को इनेबल करना है। तो सिंपल 100 मोड को इनेबल करने के बाद आप अपने फोन में iOS टल्का 100 मोड फीचर को इनेबल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट चेंज लॉक फीचर्स के बारे में जो कि आपको सेटिंग्स के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने सारे सेटिंग्स ऑलरेडी बताए हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी एक नया फंक्शन मिल जाता है। तो सेफ्टी एंड इमरजेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला फीचर मिल जाता है इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन। सो अपने जो भी इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इमरजेंसी एसओएस का फीचर है वो भी इसमें इंक्लूड किया है एंड इमरजेंसी एसओएस के बारे में आपको पता है कि हर एक फीचर कितना इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद दोस्तों इमरजेंसी लोकेशन सर्विस को भी ऑन कर सकते हैं, साइलेंस नोटिफिकेशन व्हाइल ड्राइविंग एंड वायरलेस नोटिफिकेशन, ऐसे काफी सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे सेफ्टी एंड इमरजेंसी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिला है। इसके बाद बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जो बैलेंस मोड है परफॉर्मेंस मोड है वो भी आपको पहले से मिल जाता है। इसके दोस्तों एप्स की कैटेगरी में जाएंगे तो आपको अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स में अनइंस्टॉल एप्स का भी सपोर्ट अभी तक देखने को नहीं मिला, जो कि MIUI 12.5 के बाद देने का वादा किया था। इसके बाद दोस्तों एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो आपको 100 मोड का फीचर जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर वो भी आपको पहले से ही मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि यार MIUI 13 के जो हाईलाइटेड फीचर्स है स्मार्ट साइड बार, तो स्पेशल फीचर्स में जाने के बाद देख सकते हैं आपको यार काफी सारे डिवाइसेस में पोको के फोन में देखेंगे स्मार्ट साइड बार का फीचर देखने को नहीं मिलता है। इससे पहले दोस्तों APK फाइल इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में स्मार्ट टूलबॉक्स का फीचर मिलता था, बट दोस्तों पता नहीं यार एंड्रॉइड 12 एंड MIUI 13 मिलने के बाद भी आपको स्मार्ट साइड बार का फीचर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट अपडेट के बाद आपके फोन में शायद स्मार्ट साइड बार का फीचर इनेबल हो सकता है। चलिए दोस्तों सेटिंग्स में सबसे लास्ट चेंज लॉक फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको प्राइवेसी के अंदर मिल जाता है।
तो दोस्तों प्राइवेसी में जाएंगे तो आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड में चेंज लॉक फीचर मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉइड 12 की वजह से आपको यहाँ पे प्राइवेसी कैमरा है, लोकेशन है उसका देखेंगे, और काफ़ी सारी परमिशंस कितना एक्सेस हो चुका है, कितना टाइम तक देखेंगे आपको परमिशंस लिया था, हर एक टाइप की प्राइवेसी डैशबोर्ड में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्राइवेसी के अंदर आपको परमिशन मैनेजर का भी फीचर मिल जाता है। सो परमिशंस मैनेजर में जाने के बाद आप अपने एप्लीकेशन में जब उसको इस्तेमाल करेंगे बस उसी टाइम में देखेंगे परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि बैकग्राउंड में जो परमिशंस ऑटोमेटिकली स्टॉप होते रहेंगे। तो दोस्तों सेटिंग्स में बस आपको इतने ही चेंज लॉक फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट चेंज लॉक फीचर्स के बारे में जो कि आपको गेम टर्बो के अंदर मिल जाता है। तो मी सिक्योरिटी ऐप को ओपन करेंगे एंड मी सिक्योरिटी ऐप को ओपन करने के बाद नीचे के साइड में जो गेम टर्बो है, सो गेम टर्बो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लेटेस्ट तो एनिमेशन मिल जाता है एंड यूजर इंटरफेस भी मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियली ग्लोबल एंड इंडियन डिवाइस में ये देखेंगे आपको गेम टर्बो 5.0 का सपोर्ट मिल चुका है। इसके दोस्तों ऑफिशियली आप देख सकते हैं आपको जो गेम साइड बार है, सो गेम साइड बार भी ऑफिशियली चेंज हो चुका है, कोई भी आपको एपीके फाइल वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों गेम साइड बार में देखेंगे आपको इस टाइप का लेटेस्ट यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों वॉइस चेंजर के फीचर्स अभी भी आपके पोको M2 DS में देखने को नहीं मिलता, बट दोस्तों ऊपर के साइड में देखेंगे आपको बूस्ट परफॉर्मेंस मोड का फीचर मिल जाता है। सो अगर आपको गेमिंग को इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मोड का फीचर मिल जाता है। सो अगर आपको परफॉर्मेंस मोड को इनेबल या फिर डिसेबल करना तो यही से उसको इनेबल कर सकते हैं। तो इस टाइप का लेटेस्ट यूजर इंटरफेस आपको इस अपडेट के बाद सभी फोन्स में मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ सिस्टम एप्स फीचर्स के बारे में जो कि आपको गैलरी ऐप में चेंजेस मिल जाता है। तो दोस्तों गैलरी ऐप को ओपन करेंगे तो गैलरी ऐप में आपको फोटोज एंड एल्बम्स के दो कैटेगरीज मिल जाते हैं, एंड फोटोज के कैटेगरी में देखेंगे आपको ऑल कैटेगरीज एंड कैमरा कैटेगरीज ऐसे दो डिफरेंशिएट किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों एल्बम में जाएंगे तो एल्बम में आने के बाद आपको मीडिया एल्बम्स में देखेंगे पोर्ट्रेट एंड सेल्फी ऐसे कुछ ऑटोमेटिकली मीडिया एल्बम्स भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, जैसे आप अपने हिसाब से फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पर्टिकुलर फोल्डर में अपने फोटोज सेव हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे क्लीनर है, ट्रैश बिन है, ट्रैश फोल्डर्स है, वो भी आपको चेंजेस मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों MIUI 13 के बाद आपको गैलरी में प्रोटेक्टिव वाटरमार्क का भी फीचर मिल जाता है। तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर के सर में देखेंगे प्रोटेक्टिव वाटरमार्क का फंक्शन मिल जाता है। सो प्रोटेक्टिव वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी वाटरमार्क को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे फोटो में देखेंगे मल्टीपल टैब्स ऑफ यहाँ पे वाटरमार्क ऑटोमेटिकली सेट हो चुके हैं। तो जिस नाम का मैंने वाटरमार्क कस्टमाइज किया था तो उस नाम का देखेंगे हर एक टैब में आपको मल्टीपल वाटरमार्क यहाँ पे सेट हो जाते हैं। सो प्रोटेक्टिव वाटरमार्क का भी फीचर आपको गैलरी के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों पोको M2 DS में MIUI 13 एंड्रॉइड 12 के बाद बस इतने ही चेंज लॉक फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों अगला जो फुल रिव्यू का वीडियो काफी जल्द हमारे चैनल पर आने वाला है, तो चैनल के साथ जरूर बने रहना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।